Yeah, it was a nice movie. I loved this. And I was not a Pikachu fan before. I didn't see any cartoons, but I loved the movie. So, which one? This one. This one is nice. Yeah. Acting कैसी थी? Acting वो, yeah, it was good, but I didn't like the lady. Her, yeah, her acting. आप कितने स्टार देना चाहेंगे? Out of 5, I'll give 4. Okay. बहुत अच्छी थी और कबड्डी तो मेरा फेवरेट है तो और टाइगर की हर मूवी अच्छी लगती है मेरे को और अनन्या और तारा जो नए थे फिर भी उन लोग ने बहुत अच्छा किया तो स्टूडेंट ऑफ द वन जो था या टू तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपको बेटर लगा वन स्टूडेंट ऑफ द टू ज़्यादा अनन्या की जैसे कि आपने बात की डेबी हाँ तो किस तरह की एक्टिंग थी किस तरह की एक्टिंग थी अनन्या पांडे की मतलब उसका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा बट तारा ने भी अच्छा ऑल आर वेरी अमेजिंग ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट वॉज मोर स्पेशल एंड मोर ब्यूटिफुल बट But this one is also very amazing. It came out very amazing. From the trailer, we were not expecting much more. But in reality, it is very nice. It is fun to watch. Acting kaisi thi? Because Ananya Pandey or... Yeah, she came as a surprising package. All were enjoying. Her role was very, very entertaining. It was more better than Tara, must say. Because, and she danced really well. And she was looking really pretty. Story was comparatively less than part one, but it was not boring. It was never a dull moment. Songs are superb. Songs are typical Dharma songs. So we were thoroughly enjoying the movie. Yeah. Obviously, they will make the third part, but yeah, but for now, the second part is not bad, I would say. It came in the end. Yeah. Out of 5, kitne star dena chahiye? 4. Agar Siddharth aur Varun hote, to it would be 5. Okay. Thank you. So, kaise lagi aapki student hote? अच्छी मूवी थी यस नो में ही आंसर देंगे और या कुछ और बताएंगे आप कुछ पूछेंगे तो हम आंसर देंगे मूवी अच्छी लगी टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग अच्छी थी फिर अनन्या की अच्छी थी उसमें जो दूसरी हिरन का जो रोल दिया था मतलब उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो थी उसका कैरेक्टर मिया का कैरेक्टर अच्छा था बट उसको बहुत सेल्फिश वाला रोल दिया था और वो सेल्फिश के जैसे रहती थी फिर बाद में उसको पता चला कि कौन कैसा है सो हम लोग को वो लव स्टोरी भी पसंद आई और लास्ट में वो टाइगर श्रॉफ जब विन करता है इतनी मेहनत करता है वो इंजर्ड होके भी उसको लगता है फिर भी वो खेलता है तो वो बहुत पसंद है और कबड्डी हम लोग का फेवरेट गेम है तो पसंद है मूवी पसंद है फर्स्ट पार्ट में थोड़ी लव स्टोरी थी और ये पार्ट में थोड़े गेम्स ज़्यादा थे ओलंपिक ज़्यादा दिखा है तो अच्छी थी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मूवी नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हो यस ऑब्वियसली और एक्टिंग में अगर डेब्यू किया अभी अनन्या पांडे ने और अनन्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अनन्या की एक्टिंग बहुत अच्छी है वो फाइव आउट ऑफ फाइव कितने स्टार देना चाहेंगे फाइव स्टार कैसी लगी मूवी अच्छी लगी तो एक्टिंग वाइज कैसा लगा एक्टिंग अच्छा लगा आपने देखा है कि दो हीरोइन ने डेब्यू किया इस फिल्म में तो वो कैसी लगी सुपर एक्टिंग कैसा लगा सुपर लगा ये डायरेक्शन कैसा सभी अच्छा सभी अच्छा नेक्स्ट पार्ट का आपको कैसा लग रहा है एक्साइटेड है नेक्स्ट पार्ट के एक्साइटेड है सेकंड वाला तो आपको 5 कितने स्टार देना चाहिए 5 बच्चे लोग कैसा लगा अच्छा लगा टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग कैसी बहुत अच्छी थी स्टंट कर रहा था हाँ स्टंट किया हाँ अच्छा और हीरोइन लोग कैसे थे अच्छी और डांस अच्छा सब था ठीक है तो आउट ऑफ 5 कितने देना चाहेंगे आप स्टार 20 नहीं 5 और 5 में से कितने स्टार देंगे 5 स्टार 5 स्टार टाइम
डैड। पिक्चर अच्छी है। कंपैरिजन होगा वरुण धवन और टाइगर का? नहीं नहीं, ऐसे कंपेयर आप नहीं कर सकते। वो अलग टाइप की पिक्चर थी, ये अलग टाइप की पिक्चर है। सीक्वल है, लेकिन सीक्वल तो सीक्वल की बात नहीं होती है। सीक्वल तो ठीक है, लेकिन ये बाहुबली नहीं है ना। उसकी स्टोरी डिफरेंट थी, इसकी स्टोरी डिफरेंट है। ये कबड्डी बेस्ड है, वो अलग चीज़ थी। बट दिस इज अच्छी बनाई है पिक्चर। कंपैरिजन होगा टाइगर का और वरुण का, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, दोनों अपने मास्टर ये दोनों की। अनन्या पांडे और या तारा? अनन्या पांडे इज डन अ गुड जॉब। तारा ने भी अच्छा किया काम, बट अनन्या इज ओवरटेक इट। क्या खास लगा आपको फिल्म में? स्टोरी लाइन और म्यूजिक और एवरीथिंग इज गुड। देखने लायक पिक्चर है, मतलब एक बार बोर नहीं होंगे सर। डायरेक्शन के बारे में क्या कहना है? एवरीथिंग क्लीन, वेरी क्लीन मूवी है। म्यूजिक तो ठीक है, मुझे ठीक है। म्यूजिक इतना ठीक है, लेकिन ठीक है। सपोर्टिंग कास्ट ऑल आर गुड, एवरीथिंग इज गुड। बोलते रहो, एवरीथिंग वेरी क्लीन मूवी। 5 में से कितने स्टार दिए? 3.5। थैंक यू सो मच। मुझे काफी एवरेज लगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन देखी थी तो मजा आ गया था। इतना यू नो यू कुड कनेक्ट टू दैट मूवी। दिस मूवी लैक्स सोल। इतना कुछ दिखाने की कोशिश की है, कॉलेज लाइफ दिखाई है, बट कहीं भी यू नो बीच में कॉम्पिटिशन दिखाया है, कबड्डी के मैचेस दिखाए हैं। बट देन अगेन म्यूज़िक बहुत ही एवरेज है विशाल शेखर अनफॉर्चुनेटली। और जो परफॉर्मेंसेस है वो भी बीच में देखे ओवरबोर्ड, यू नो इट लुक्स सो फेक। हालांकि वो मूवी में अगर आप कंपेयर करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट जब वो स्क्रीन पे आते थे तो मज़ा आ जाता था। तीनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, इसमें केमिस्ट्री भी मिसिंग है। आई थिंक पार्ट वन में सब कुछ अच्छा था। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, जो एक रोमांटिक मूवी का सोल होता है, म्यूजिक इतना एवरेज है मूवी का। उसमें राधा सॉन्ग इतना हिट हुआ था और भी गाने। और स्क्रीन प्ले इतना ज़रूरी है, कंटेंट, मूवी का कंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सब एस्पेक्ट्स में आई थिंक इट फेल्स टू डिलीवर, इट डजंट कनेक्ट विद द ऑडियंस। आपको क्या लगता है ये? अभी ये बात से हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए तो बोल नहीं सकते। पुनीत मल्होत्रा ने ट्राई किया है कि वो मूवी से एंटरटेन करे, बट इट्स डिसअपॉइंटिंग। एक्ट्रेसेस में तारा, आई थिंक शी कैन इम्प्रोवाइज, शी इज़ गुड। बोथ ऑफ देम आर कॉन्फिडेंट, बट अनन्या पांडे का रोल मुझे अच्छा लगा और शी हैड स्कोप टू परफॉर्म। एंड स्टार ऑफ द फिल्म इज टाइगर श्रॉफ, जो भी देखने लायक है, क्योंकि डांस की वजह से, उनकी एक्टिंग की वजह से, वो उनकी वजह से ही देखने लायक है। डांस, एक्शन जो भी है, कि एक स्मॉल टाउन का लड़का कैसे आके चैलेंजेस फेस करता है, तो वो अच्छा है। बट अदरवाइज उतना मज़ा नहीं आया जैसे पार्ट वन देख के आया था। सब में अच्छे हैं। ही हैज शोन द वनरेबिलिटी ऑफ दैट स्मॉल टाउन गाय। और एक्शन में तो वो है ही बेमिसाल, बट अभी अगर स्क्रीन पर अच्छा नहीं तो वो ही कॉन्ट डू मच। सो ही ट्राइड इज बेस्ट, ही इज़ वेरी गुड। 2.5। बहुत अच्छी लगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। आप अगर कंपेयर करेंगे फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को, क्या सीखा? मुझे तो दोनों एक ही जैसी लगी। यस। और स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले वरुण धवन, ये आलिया भट्ट थी, इस बार जो है टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे डेब्यू किया। तो दो हीरोइन तो बहुत ही नई है, लेकिन एक्टिंग ठीक ही है। और दोनों में से सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है तारा सुतारिया। टाइगर क्या है ये एक्टिंग? टाइगर की तो अलग ही बात है, उनका कुछ कहने का ही नहीं, वो तो अपना डांसिंग और स्टेप उनका अलग ही है सब। म्यूजिक ठीक है एकदम, डायरेक्शन भी ठीक। 3 स्टार।